major country. We are hoping to get $5 trillion economy. How much would be possible? I don't want to comment on that. आज के डेट में हमारे पास 993 यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 40,000 कॉलेजेस हैं. दे आर ऑल. व्हाई डू वी नीड सो मेनी? वी आर अ 1.3 बिलियन पीपल. जब मैं आई वॉज सर्विंग एज अ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन द साइंस एडवाइजरी काउंसिल एंड आई वॉज काइंड एनफ टू इनवाइट मी फॉर टू फुल टर्म्स वी एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर दैट यू मस्ट क्रिएट मोर IITs, more ISERs, more universities, and we gave data. Till then there was no data. And we said that time the gross enrollment ratio was only 12.5. What is GER? GER simply means, agar 100 bachche par ke nikal rahe hain plus 2 karke, kitne logon ko college mein education mil raha hai? Us waqt ki baat hai, us waqt sirf mahaz 12.5 logon ko. And why are we not able to give college education to everybody? Because there are no colleges. Where can they go? That is where the problem is. Aaj ke date mein, ye gross enrollment ratio, thanks to our initiative, we now have every state of the country has at least one central university. Some states have more than two, more than three. लेकिन एवरी स्टेट में एक सिंपल यूनिवर्सिटी, एवरी स्टेट में एक IIT है, एवरी स्टेट में ऑलमोस्ट एक साइंस इंस्टीट्यूट है, लॉ यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में. सो दिस ऑल हैपेंड ड्यूरिंग द लास्ट इन डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम. ऑफकोर्स नाउ थिंग्स आर ऑल्सो बीइंग एडेड, बट स्टिल 70 बच्चे जो प्लस टू पास करके जाते हैं उनके पास कॉलेज जाने के लिए कॉलेज में जगह ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, जगह के बाद छोड़ देंगे. और एक और हैरतंग बात यह है कि वो पढ़ना चाहते हैं, उनके वालदैन उनको पढ़ाना चाहते हैं, और वालदैन के पास इतना कैपेसिटी है कि दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन पुट अप टू टाइम्स द नेशनल एजुकेशन बजट ऑन एडुकेटिंग द चिल्ड्रन. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. हमारा जो एजुकेशन बजट है उसका ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी इज यूज इज स्पेंड बाय द पेरेंट्स टू सेंड द चिल्ड्रन टू गो अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड. कौन लोग अब्रॉड जाते हैं? जिनको इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता है या जिनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है. आई वॉज ट्रैवलिंग विद डेलीगेशन टू स्टैनफोर्ड, 10 साल पुरानी बात है, एंड अलॉन्ग विद मी वॉज द डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली, एंड स्टैनफोर्ड डीन आस्क्ड मी, ओ व्हाई आर यू हियर? तो मैंने कहा कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है इसलिए मैं आया हूँ उससे मिलने के लिए. अच्छा, your son studies in Stanford, why he didn't apply to IIT Delhi? IIT Delhi is a very, very good institute. He said yes, he applied but he couldn't get there. He could not get into IIT Delhi but he got into Stanford. Yes, Sachai, he has got it. One of the things that we articulated to the Prime Minister Manmohan Singh was, let's not worry about our universities, institutions not figuring in Times ranking or global ranking. Those are biased rankings. अगर हमारी इंस्टीट्यूशन इतने खराब हैं तो वाई ऑल आर IIT पीपल, ऑल आर बेस्ट पीपल मूव टू US? वाई इज गूगल चीफ इज एन इंडियन? वाई इज स्टैनफोर्ड प्रेसिडेंट इज एन इंडियन? वाई इज अमेजॉन पर्सन इज एन इंडियन? वाई कोकोकोला CEO इज एन इंडियन? हम लोग इतने खराब, हमारी तरबियत है, खराब एजुकेशन है, तो वाई? सो लेट्स नॉट वरी एन दैट इज द टाइम व्हेन दे डिसाइडेड दैट ओके वी हैव आवर ओन नेशनल रैंकिंग. तो दैट इज वेयर थिंग्स आर मूविंग. मैंने आठ साल बिफोर आई ज्वाइन हियर आई वर्क फॉर 8 years इन IIT Delhi एंड दैट वॉज इन अ वे आई वुड से मोर एज अ रिडेम्पशन ऑफ माई ड्रीम. जब मैं बच्चा था तो मैंने सोचा कि भाई मुझे भी IIT में जाना है. मैंने IIT के एग्ज़ाम दिया, सेंटर में गए, एक ही दिन का एग्ज़ाम होता है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्ज़ाम इंस्पेक्शन टीम केम, कहते हैं उसको हमारे अब होती है फ्लाइंग स्क्वाड के, एंड दे सेड एवरीबॉडी इज कॉपिंग, मास कॉपिंग हो रही है. दे डिसाइड, दे रिकमेंडेड दैट एग्जाम शुड बी कैंसिल्ड, सो दैट एंटायर सिंगल एग्जाम वाज कैंसिल्ड. एंड विद दैट माय होप ऑफ गोइंग टू IIT Delhi एज अ स्टूडेंट गॉट डिमोलिश्ड कंप्लीटली. नो वे आई कुड गो. फेट हैड समथिंग एल्स टू मी. आई डिडंट गो टू IIT एज अ स्टूडेंट,
but I was invited by the Board of Governors, which recommended by my invitation, which was approved by the President of India, to be invited as a professor, invited professor at IIT. Unke 75 saal ke history mein I was perhaps the third person to be invited as a professor. And that is, you tried your IIT, you didn't do it. Another example, I got into All India Institute of Medical Sciences. Maine join bhi kar liya. Teen din tak raha. Those days ranking was at its peak. Cool ranking hua karti thi. So I used to lock myself inside. Bade mushkil se waqt nikal ke jaake bahar mein thelode se kuch khane ka kha karke wapas lock kar leta. I said, I can't continue like this. I came from a small town, Gaya. Chhod karke yahan hostel ki life, I decided to go back. I just left and went back. Pakistan mein pucha beta kyun kyun aage kya ho gaya? Humne kaha mujhe nahi padhna hai. Mujhe nahi padhoge, main apne nahi padhunga. Kyun? Dil nahi laga. Kya karoge? Maine kaha BSc karunga. Okay. You are the best person. You know yourself better. And let me tell you, I have taken risk like this many a times. मैं यहाँ आ रहा था तो लोगों ने कहा कि आप जामिया हमदर्द क्यों जा रहे हैं, आपका तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपका नाम है. I said, Jamia, I can do things. With due respect to people who are from Aligarh, I cannot do things here. The place has enough problems, lot of inbreeding, that you really cannot do. Our chief guest was actually born in, so he's actually a citizen of AMU, if I can use that word. So that is a fact. It was a risk people thought you were taking. I said, I enjoy taking risk. And I'll tell you how successful or not successful I have been. So when I talk about educations, I realize that, I think let's go back to what Hamid Sahib and his committee, Khachar committee, did. And something his findings from his Khachar committee, mind-boggling. Us waqt, 2010 ki baat hai. 2005 की बात है शायद, 5 या 10 की बात है. सच्चर कमेटी की उस वक्त मुस्लिम्स का पॉपुलेशन कोई 14% था ऑफिशियली. ये लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि आज 2100 तक मुस्लिम्स विल स्टेबलाइज अबाउट 20-21% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन. दैट मीन्स कॉन्ट्रारी टू क्लेम्स दैट मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ये रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, इट इज नॉट मीट टू बी, इट इज नॉट व्हाट द पीपल आर ट्राइंग टू से. द मोस्ट रिवीलिंग पार्ट वाज द एजुकेशनली द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी दैट टाइम द सीएसटीज वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी वाज मुस्लिम्स. इट वाज लोअर देन द सीएसटीज. एंड वन एस्टिमेट वाज डिस्पाइट हैविंग 13% ऑफ आवर प्रेजेंस इन द कंट्री according to government numbers, the Muslims were only 2.5% of the total democracy. Look at the kind of backwardness we have. ये सब तो सच्चाई थी. हामिद साहब की कमेटी ने, सच्चर कमेटी ने निकाला. What is the real situation today? Where are the challenges and where are the opportunities? अगर हम मान के चलें कि आज के डेट में क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30 है, 30% of our students who graduate from high school go to college. इसमें मुस्लिम्स कितने हैं? आपको हैरत होगी कि 30% में the Muslims are less than 5%, 4.9% to be accurate. Despite ऐसे ही 30% खाली हैं जो कॉलेज गए ही नहीं, उनको तो 70% छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो कॉलेज जा सके उसमें से सिर्फ less than 5% are Muslims. और आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की शनाख्त नीति आयोग ने की है. अभी 2018 में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है. एज पर दिस रिपोर्ट देयर आर 20 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री. और इस 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको सुनकर हैरत होगी, मेजॉरिटी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर डिस्ट्रिक्ट्स वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी. हमारे शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक जगह है हरियाणा में, उसे मेवात कहते हैं. मैंने सोचा उसके बारे में पता करें मेवात में क्या हाल है, पढ़ा लिखा है कि वो तो पता लगा वहाँ 80% ऑफ द मेवातीज
एटलीस्ट 80% आर मुस्लिम्स। कितने लोग वहां स्कूल जाते हैं? तकरीबन 1,62,000 बच्चे वहां मेवात डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल जाते हैं। और स्कूल से पास आउट कितने करते हैं? 10वीं क्लास। अजी 10वीं क्लास से भूल जाइए, 8वीं क्लास में ही सिर्फ 30%, मतलब सिर्फ 40,000 समथिंग बच्चे 8वीं जमात पास करते हैं। 10वीं जमात को तो भूल जाइए आप। और उन 8वीं जमात में से कितने फाइनली 10वीं जमात पास करते हैं? ओनली 8% ऑफ दिस 40,000 स्टूडेंट्स। ओवरऑल कितना परसेंट हुआ? यू कैन इमेजिन, इट्स जस्ट अबाउट 2.4%। दैट इज द प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स इन द मोस्ट मुस्लिम हाई मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। अब यही हाल रिमेनिंग 80% डिस्ट्रिक्ट का है जहां मुस्लिम आने में मेजॉरिटी। क्या होता है, किसको आप दोषी ठहरा रहे हैं? हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट थिंक द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक वी एज अ कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल। एंड दैट इज वाई व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी दैट आई शुड कम हियर एंड सी हाउ वी कैन मैनेज दिस प्लेस, I thought here is an opportunity for me. And the best part is I don't believe in micromanagement. I look at the big picture. And we have other colleagues who are far more efficient, far more better in looking at the small picture and minor details. Let them do the job. I can look at the big picture. Aur usme zati mafaad hai. Zati mafaad hai ki I am a scientist. Till today I published papers abhi is university se जामिया हमदर्द से पहला पेपर जो लैंसेट में आ रहा है वो हमारा पेपर है। दिस इज लैंसेट, इज वन ऑफ द टॉप मेडिकल जर्नल। ऑल इंडियन ऑथर्स, दो आदमी यहां से और एक दिल्ली के दूसरे इदारे से, हमारा ये दिस इज वन ऑफ माई एंथ पेपर। बट जामिया हमदर्द के लिए दिस काइंड ऑफ विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विथ दिस व्हाट आई कुड डू बिकॉज आई डोंट लुक एट डे टू डे थिंग्स। दे आर बेटर कलीग्स। वी हैव बिलीव्ड इन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजिंग। Recently we have done a Dean's Committee. Top 4 Deans by seniority are members of the Dean's Committee. Plus next 4 are special invitee. Let them be involved in all decision making. Why should I be involved? We did the same model in Hyderabad. Net result, in 3 years time, Hyderabad University became the number 1 university in the country. It beat JNU, it beat DU. It got the highest score NAC ever gave, 97%. What a, imagine, that's the highest score. We are trying the same experiment. हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है मुसलमानों के साथ कि हम समझते हैं कि हमारे खिलाफ तासुब, हम डिस्क्रिमिनेट, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। भाई हम अपने मजहब में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं क्या? डोंट वी से यू आर अ शिया, यू आर अ सुन्नी, डोंट वी से यू आर अ बरेलवी, यू आर अ देवबंदी? आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। आप वहां भी हैं तो अपना है। यू बी सरप्राइज टू नो दैट दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब एरिया है आज के डेट में वो मुस्लिम वर्ल्ड है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई थिंक दिस फीलिंग ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इज अ रॉन्ग फीलिंग दैट वी हैव। वी यूज दिस ओनली टू हाइड आवर ओन इनकॉम्पिटेंस। हमें सलाहियत नहीं है उसको छुपाने के लिए हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। दिस इज नॉट ट्रू एंड वी हैव टू डू इट। We have to remove this kind of feeling. जामिया हमदर्द में हम लोगों ने क्या किया?